आचार्य चाणक्य ने कहा था कि इंसान को ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए। अगर हम जंगल में जाकर देखें तो जान पाएंगे कि सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो भी इसी बारे में है कि ज़्यादा अच्छा बना बुरा क्यों होता है और आखिर क्यों एक अच्छा इंसान हमेशा दुखी और परेशान रहता है। तो ये सब हम जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मास्टर मैं एक बहुत ही सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ। इतना सीधा ही आपने आज से पहले ही मुझसे सीधा व्यक्ति देखा होगा। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और ना ही मेरे घर के किसी महत्वपूर्ण काम में भी मेरी राय लेते, जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज़्यादा काम भी करता हूँ। घर वालों की बात भी मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश रखता हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता, सब मेरा फायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोले, किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। ये सुन उस व्यक्ति को बुरा महसूस हुआ, लेकिन वो फिर भी बौद्ध भिक्षु की बात सुनता रहा। बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा, अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? व्यक्ति ने कहा, ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे, मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नज़रों में अच्छा और खुद को तारीफ सुनने के लिए सामने वाले की जी हुजूरी कर रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करे। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता है जो लोगों की हर बात में हाँ मिलाता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता हूँ तो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती है। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ध्यान रखते हैं, उन्हें लोगों की चिंता है, इसीलिए वह सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद की ज़रूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर मौक़ों पर वही काम करते हैं जिसे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करे। अगर उन्हें लगता है कि किसी काम से सामने वाला नाराज हो जाएगा तो वह उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कमियां और कमजोरियों को दूसरे लोगों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमियां और गलतियों के बारे में पता लग जाएगा तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमज़ोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत, अच्छे लोग खुद को जरूरत, खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से ही दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और फिर वो लोगों की नज़रों में एक अच्छे इंसान नहीं रह जाएंगे। पांचवी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग मानते हैं कि वो केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर इंसान खुश रहे, इसीलिए वो अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें सुनने में लग सकता है कि इन आदतों में क्या बुराई है, सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या यहाँ खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, ये अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहला, अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज़्यादातर मौक़ों पर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि वो अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को भी छिपा देते हैं, सामने वाले को कभी भी उसकी गलतियाँ नहीं बताते और केवल वही बोलते और करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतने पागल होते हैं कि वो कई बार जरूरी और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बातों पर कामों को भी उनसे छिपाकर रखते हैं और उन्हें बताते नहीं ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। तीसरा, अच्छे लोग अपनी ज़रूरत और कामों को महत्व नहीं देते, इसीलिए दूसरे से सीधे अपना काम करवाने से घबराते हैं
जिसकी वजह से दूसरे लोगों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं। अपने जरूरी कामों को करवाने के लिए भी जैसे कि सामने वाले को चापलूसी करना या फिर उसके किसी काम के बहाने अपना काम भी कर लेना। चौथा, खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पानी की उम्मीद से ही कुछ देते हैं। यह इस बात का दिखावा तो करते हैं कि यह लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन यह मदद सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि सामने वाला उनकी तारीफ करे, इन्हें अच्छा इंसान समझे और ज़रूरत पड़ने पर इनकी भी मदद करे। लेकिन अगर इन्हें मदद के लिए मदद नहीं मिलती तो ये गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उससे बदला लेने का मौका ढूंढने लगते हैं। पांचवा, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना नहीं बोल पाते, उन्हें मना नहीं कर पाते और दूसरों के काम करने के चक्कर में ये अपने और अपने परिवार की जरूरत कामों को पूरा नहीं कर पाते। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाया करो, क्योंकि दुआ वहाँ काम आती है जहाँ पैसा काम नहीं आता। समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है। बारिश बहुत हसीन होती है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनके मकान पक्के होते हैं। माचिस की तिल्ली एक जैसे ही होती है, लेकिन कुछ दिए जलाती है तो कुछ घर जला दिए करते हैं। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। किसी ने क्या खूब कहा है, मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसीलिए धोखा खा गया। वो चाल चलता गया और मैं दोस्ती निभाता गया। दोस्त, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। पैरों को खोल जवाना उड़ान देखता है, पैरों को खोल जवाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ कर क्या आसमान देखता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जिंदगी में कई मुश्किलें आती हैं और इंसान जिंदा रहने से घबराता है, ना जाने कैसे हजारों कांटों के बीच रहकर एक फूल मुस्कुराता है।